गरीब जरूरतमंद लोगों को खाने को मिल रहा है, नित नए व्यंजन मिल रहे हैं। कुछ संस्थाएं खाने में अलग अलग प्रकार की वैरायटियों के साथ मिठाइयां भी दे रही हैं। उज्जैन में भोजन सेवा का क्रम लगातार जारी है। उज्जैन के सिंधी समाज के सिंधु सेना के दो भाई किशोर मुलानी और विनोद मुलानी व उनके परिवार के सदस्य लॉकडाउन के चलते जरूरतमंद लोगों को पौष्टिक भोजन दे रहे हैं। भोजन में कभी गुलाब जामुन तो कभी खोपरा पा, पनीर की सब्जी तो कभी मेथी पूरी। जी हाँ, लॉकडाउन में लंबे समय से काम और रोजगार के अभाव में खाने की समस्या से जूझ रहे लोगों को सिंधु सेना उज्जैन प्रतिदिन 2 से 2500 भोजन के पैकेट उपलब्ध करवा रही है। अपन रोज कुछ क्या अलग अलग जैसे आइटम्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि रोज पूड़ी बनाए, पूड़ी सब्जी बनाए, अपन रोज अलग अलग बना रहे हैं। इसमें जैसे कभी उपमा बना देते हैं, मीठे में रोज अलग अलग बना रहे हैं, गुलाब जामुन हो गया, मावा बाटी हो गई और खोपरा पाक हो गया, अभी पनीर की सब्जी भी बनाई थी अपन ने, तो रोज कुछ ना कुछ अलग बना रहे हैं। और मतलब छोटे बच्चों को देते हैं, जैसे किसी भी बस्ती में जाते तो वो लोग खुश हो जाते हैं देख के, बोले कि नहीं यार ये लंच पैकेट बहुत अच्छा है, इसको खाना चाहिए, वो यूज़ आता है खाने में। नहीं, इसकी लिस्टिंग नहीं करते हैं, हमारे को जहाँ लगता है ज़रूरत है वहाँ पे जाके हम खुद अपनी मर्जी से जाके बांटते हैं वहाँ पे। नहीं, हमारा ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल चेक करते हैं उसके बाद ही बांटते हैं। और अपना पैकेट कोई भी वेस्टेज नहीं करता है, क्योंकि अपन उसमें बनाई ऐसी चीज़ रहे हैं जैसे आपको कोई, जो हम लोग खाना खा रहे हैं वही हम बांट रहे हैं। गुलाब जामुन बांट दिया, पनीर की सब्जी बांट दी, कुछ अलग बना रहे हैं, उपमा बना रहे हैं, फ्राइड राइस वगैरह बना रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ अलग वेराइटियाँ बना रहे हैं हम। सेना के सदस्य भोजन निर्माण में भी अपना सहयोग कर रहे हैं। भोजन में शामिल मेन्यू में रोज परिवर्तन कर लोगों का जायका बदलने का भी प्रयास किया जा रहा है। बच्चों की पसंद के हिसाब से मिठाइयां भी खाने के पैकेट में दी जा रही हैं। संक्रमण के समय में लजीज भोजन पाकर लोग बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर डेली सुबह को आ जाते हैं। सुबह को आने के बाद सारा काम स्टार्ट हो जाता है, पहले आटा गूंदना वगैरह हो जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पर हर चीज़ बनती है। जैसे भैया ऑर्डर करते हैं, मतलब जैसे बड़े वो हैं तो ज़्यादा जैसे डायरेक्शन देते जाते हैं कि इस हिसाब से बनाना है, ऐसा ऐसा बनाना है, तो हम लोग भी उस प्रकार से गाइड करते जाते हैं। और ये लोग, इतने सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो रोज़ अपना काम करने आते हैं, सेवा देने आते हैं। सो हम लोग कभी पूड़ी बना लेते हैं, कभी चपाती बना लेते हैं, कभी सब्जियाँ रोज़ अलग अलग बनती है, कभी कोई सब्जी बनती है, मीठे में भी सब साथ में चलता रहता है, कभी कोई मिठाई बनती है, कभी बालूशाही वगैरह बन जाती है, कभी खोपरा पाक बनता है। तो सुबह से आके काम वाम करके हम लोग सब यहाँ पर सेवा देके उसके बाद फिर बांटने का जो काम रहता है वो भी करने जाते हैं। आगे भी जब तक हम लोग से होगा तब तक हम करेंगे, क्योंकि अभी क्या बहुत ज़्यादा ये जो वायरस है वो बढ़ गया है, तो वायरस बढ़ने से हम लोग को डर भी लग रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत कभी हो सकता है कि हम लोग एक जना जा रहा है वहाँ से फिर इतने सारों को हो जाए, जबकि हम लोग सब सेवा ही करने आ रहे हैं। तो इस चक्कर में हम लोग सोच रहे हैं जब तक होगा तब तक हम लोग करेंगे। हमारे को आज पूरे 1 तारीख से हमने यहाँ भोजन की शुरुआत करी थी, आज पूरे हमारे को 28 दिन हो गए और सिंधु सेना उज्जैन द्वारा लगातार ज़रूरतमंद लोगों तक हम भोजन पहुँचा रहे हैं। और रोज़ हम मेथी पूड़ी, छोले की सब्जी और रोज़ एक मीठा बनाते हैं, जैसे कभी खोपरा पाक बना देते हैं, कभी बेसन चक्की, कभी देसी घी का हलवा, कल हमने बालूशाही बनाई थी, आज मीठे में हमने गुलाब जामुन बनाए हैं और छोले की सब्जी, पूड़ी, अचार और हरी मिर्ची तली हुई, और ज़रूरतमंद लोगों तक रोज़ हम पहुँचाते हैं और 2000 से 2500 पैकेट डेली बनाते हैं और सब जितनी भी बस्तियाँ हैं, मजदूर वर्ग इलाका है, वहाँ हम डेली पहुँचाते हैं।